नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और उस समय हम आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं जिस समय एक तरफ विश्व में कितना हाहाकार मचा है। एक देश है रशिया और एक देश है यूक्रेन। किस तरीके से इन दोनों देश के बीच में घमासान युद्ध मचा है और यहाँ पर लोगों की चीख पुकारें मच रही हैं क्योंकि ये भयानक विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इसमें आपको बड़ी डेवलपमेंट बता देता हूं कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बड़ी अपडेटें जो आ रही हैं निकल के, वो आपको बता दें। सबसे पहले जो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक मिशन चल रहा है, जो भारत के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए जो मेडिकल से लेकर तमाम अन्य अन्य चीज़ों में जो वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन ऐसे 20,000 स्टूडेंट को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है। और इसी ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक आपको बता दें 4,000 छात्र तो वो पहले ही एडवाइजरी और इस युद्ध होने से पहले ही आ चुके थे, लेकिन जो बाकी 16,000 छात्र बचे हुए थे उनका निकालने का प्रयास जारी है। और लगभग अब तक 1,000 से तादाद के छात्र अब तक भारत पहुंच चुके हैं, सुगमता से पहुंच चुके हैं। और इन छात्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का इतना गौरव बढ़ा दिया है विश्व में कि इतनी इज्जत हो गई है भारत के उस तिरंगे की कि अगर किसी भी बस में या आपके हाथ में अगर तिरंगा है तो आपको कोई भी टच करने वाला नहीं है, और बल्कि रिस्पेक्ट आपको दी जाएगी। तमाम जितने भी आप पोलैंड से लेकर हंगरी और जो आपका रोमानिया के जो बॉर्डर हैं, जहां यूक्रेन के जो छात्र हैं वो इन बॉर्डरों पे आके यहां भारत की एम्बेसी के अधिकारी लगे हुए हैं, और जो भी ऐसे बस पे जो भी तिरंगा लेके आया है उसको किस तरीके से बिना वीजा और बिना किसी रोक टोक के वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार आने दे रही है, तो आप इसी से लगा सकते हैं। उन छात्रों की ये बयानी है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पहली बार ये फील हुआ है कि उनके देश का कितना बड़ा सम्मान बाहर के देशों में है। यही एक बात है कि पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि भारत के कोई भी छात्र हो उनको बिना वीजा के हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी छात्र हैं जो अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ पर रोमानिया के बॉर्डर पे गए थे, पोलैंड के बॉर्डर पे गए थे, लेकिन उन्होंने भी ये भी माना जा रहा है और ये खबर आ रही है कि उनके हाथ में भी उनको बचने के लिए, क्या पता अगर वो पोलैंड में आ जाते हैं या तिरंगे की मदद से वो पोलैंड में निकल जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि हम भी तिरंगा थाम लेते हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उनका पहचान में आ गया क्योंकि जो आपकी कॉलेज की आईडी कार्ड होता है उस पर नेशनैलिटी लिख दिया जाता है, क्योंकि फॉरेन जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नेशनैलिटी उसमें शामिल होता है। और जो हमारी एम्बेसी के लोग हैं पहले से सूचीबद्ध होती है कि हमारे इतने स्टूडेंट यहाँ बॉर्डर पे आ चुके हैं, इन्हीं को आप लीजिएगा, और उन्हीं के तहत ये लिया जा रहा था। उसमें कुछ पाकिस्तानी भी जो छात्र थे, क्योंकि उनकी सरकार किस तरीके से एक तरीके से बिल्कुल ही ऐसी घटिया सरकार है विश्व की जो अपने छात्रों की सोच नहीं रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये उन्हीं के छात्रों का कहना है जो लगातार गुहार लगा रहे हैं इमरान खान के कि उनको बचा लीजिए, क्योंकि भारत अपने छात्रों को किस तरीके से बचा नहीं रहा, बल्कि उनको सुविधा के तहत उनको गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं, बस मुहैया कराई जा रही, पूरे एम्बेसी के लोग, एक ही एम्बेसी नहीं, यूक्रेन की एम्बेसी नहीं, तमाम जो यूक्रेन से लदे हुए जो सीमावर्ती के जो हमारे राजदूत हैं वो बिल्कुल अथक प्रयास से लगे हुए हैं कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट को बचाया जाए। अब बड़ी बात ये आती है इसमें कि जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस युद्ध होने के पीछे मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूं कि 1991 से पहले ये सभी सोवियत यूनियन का पार्ट थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ ये अलग अलग देशों में टूटकर बिखर गए। तो उसमें से आपको बता दूं रशिया एक सबसे बड़ा पार्ट निकला, और दूसरे नंबर का जो भूभाग के क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपको बता दूं तो उसमें से यूक्रेन सबसे बड़ा दूसरा देश है। अब अगर क्या हुआ कि जो नाटो एक संगठन है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है और इसमें लगभग 30 से ज़्यादा देश आते हैं, और ये नाटो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर इन नाटो देश के खिलाफ अगर किसी कंट्री ने अगर कोई भी
आक्रमण कर दिया तो ये माना जाएगा कि उस देश ने नाटो के सभी देशों के साथ आक्रमण किया है और उसको उस देश को बचाने के लिए ये नाटो के अमेरिका सहित सारे देश जो यूरोप के आधा से ज़्यादा देश हैं ये सारे उस देश के खिलाफ टूट पड़ेंगे और उस पर आक्रमण कर देंगे। तो इसी के लिए रूस को एक तरीके से चारों तरफ घेरने के लिए अमेरिका द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और इस नाटो को लगातार फैलाता गया। इस नाटो को आपको मैं बता दूं कि जो सोवियत यूनियन के जो पार्ट थे उनके भी लगभग अन्य अन्य जो देश निकले थे उससे उनमें से एक दो देश को पहले ही नाटो में शामिल कर दिया गया है। अब जो यूक्रेन है जो दूसरे नंबर का जो सोवियत यूनियन का जो पार्ट था इसको भी अब षड्यंत्र के तहत नाटो में शामिल किया जा रहा था, लेकिन पुतिन को पता था अगर यूक्रेन जैसा बड़ा भूभाग वाला प्रदेश जिसकी सीमा लगभग 2200 किलोमीटर से ज़्यादा रशिया के साथ मिलती है, अगर ये देश उसका दुश्मन बन जाता है और अगर बाई चांस कभी वो एक सोवियत यूनियन का एक सपना देखते हैं पुतिन, क्योंकि वो उस समय एजेंट हुआ करते थे जब यौ विघटन हुआ था, उन्हें पता है किस तरीके से एक सुपर पावर को उन्होंने बिखरते हुए देखा है। और अब वही पुतिन जो पहले कभी केजीबीपी के एक एजेंट हुआ करते थे, देश के सैनिक थे, अब उन्होंने एक सोचा है कि हम फिर से क्यों ना सुपर पावर बने। तो उसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूक्रेन जैसा देश किसी नाटो का सदस्य ना बने। तो ये उसी की लड़ाई है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, आपको बता दूं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो नाटो का सदस्य बनते हैं तो यह रशिया के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि रशिया ने अपने बयान में जब ये उन्होंने युद्ध यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा था उन्होंने ये कहा था कि ये रशिया के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये अस्तित्व का सवाल है, अगर आज रशिया इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तो रशिया के लिए एग्जिस्टेंस का खतरा बन जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुतिन जो हैं व्लादिमीर पुतिन वो कितने इससे गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि मैं लगभग 8 महीने से यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगातार ये कह रहा था कि वो बातचीत करें और वो नाटो में न शामिल हों, ये उनको आश्वासन मिल जाए तो वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जब वहाँ के राष्ट्रपति ने उनका इनकार कर दिया, उनको सुनने से मना कर दिया, तो फिर फाइनल एक स्टेज आई जब उन्हें युद्ध का ऐलान करना पड़ा। और अभी भी ये युद्ध नहीं है एक पूरी तरीके से, क्योंकि रशिया ने कुछ बड़े बड़े जो यूक्रेन के सैन्य अड्डे हैं केवल उन्हीं पर हमला किया है, नागरिक रिहायशी इलाकों पर कोई हमला नहीं हुआ। उनमें से कुछ घटनाएं हैं जिनमें हुआ है, लेकिन अगर एक पूरा युद्ध के रूप में देखा जाए तो अभी भी रशिया ने इन चीज़ों से बचा है कि रिहायशी इलाकों पर जो भी आम नागरिक है उन पर हमला नहीं हो रहा है। छुटमुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो उनकी पॉलिसी है वो केवल यही है कि सैनिक अड्डों पर हमला किया जाए ताकि वहाँ की जो सरकार है जो बिल्कुल ही एक नाटो का एक कठपुतली बन चुकी है, क्योंकि नाटो के ही दम पे और अमेरिका की दम पे जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है वो इतना दम भर रहे थे कि वो रूस को चैलेंज करने जा रहे थे, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी जो सुरक्षा है उससे खिलवाड़ करने जा रहे थे, लेकिन इन नाटो देशों ने किस तरीके से यूक्रेन का हाथ छोड़ दिया बीच मझधार में। जैसे अगर आपके साथ कोई दोस्त हो और आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा हो और आपका दोस्त पीछे से बोलता है मैं हूँ आप लड़ाई कर लीजिए मैं आपको बचाने आ जाऊँगा, लेकिन जब हाथापाई शुरू हो जाती है तो आपका दोस्त भाग जाता है, तब आपको समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये वही यूक्रेन के साथ हुआ है। और यूक्रेन में आपको बता दूं कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, यूक्रेन इसमें सरेंडर करने ही वाला है, लेकिन पुतिन ये चाहते हैं कि एक देश होने के नाते, यूक्रेन देश होने के नाते उसको सम्मान मिले। इसलिए पुतिन ने अभी अभी एक ऑर्डर दिया है कि अगर जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के जेलेंस्की अगर वो ये मान लें कि जो बेलारूस है एक दूसरा देश है, अगर वहाँ वो समझौता या बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो हम वहाँ बातचीत के लिए तैयार हैं इसी 6 बजे तक ये ऑर्डर है कि अगर वो मान जाते हैं तो हम बातचीत शुरू कर देंगे और ये युद्ध भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी पता नहीं किस घमंड में चूर हैं, जबकि वो बंकर में खुद छुप चुके हैं, यहाँ तक कि जो कीव राजधानी है यूक्रेन की उस पर तक पूरे रशियन आर्मी का कब्जा होने जा रहा है। उसके भारी इलाकों में आपको बता दूं पहले से रशियन टैंक मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फोर्स वहाँ पे मौजूद है,
फिर भी पता नहीं कौन से घमंड में वहां के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो बंकर में छुप के अपने देश को बचा लेंगे। तो मैं आप उनको ये कहना चाहता हूं कि नहीं, आपके जो नागरिक देखिए, आपके जो सरेंडर करने वाले जो आपके सैनिक देखिए, उनकी हालत देखिए, उन लोगों के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इस युद्ध से किसी का भला नहीं होने जा रहा है। यूक्रेन को खुद सोचना चाहिए कि अगर उसकी वजह से किसी दूसरे देश को प्रॉब्लम है तो उसका समाधान बातचीत से करना चाहिए। यही पुतिन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ के प्रेसिडेंट को या तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए, वो ये चाह रहे हैं कि वो केवल हमें आश्वासन दे दे कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। और ये खुद नाटो ने अपने जब रशिया के साथ ये हो रहा था, उनका एक समझौता है, मिंस्क समझौता है, उसमें ये है कि नाटो अब और एक्सपेंशन नहीं करेगा, क्योंकि जो ये नाटो और अमेरिका ने जो ये अलायंस बनाया है, ये जानबूझ के इसलिए बनाया है कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्री है वो आपस ही में न लड़े, वो केवल चाइना और रशिया और भारत, इन लोगों के खिलाफ एक पूरा संगठन है नाटो, और ये लगातार इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। जब रशिया को पता चला कि ये अब मेरी हद तक बढ़ चुका है, ये नाटो हद से पार कर चुका है, तो फिर उसे यूक्रेन पे हमला करना पड़ा। अब देखिए किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी रंग लाती है, कि किस तरीके से हमने यूएनएससी में किस तरीके से अपने पुराने जो साथी है रूस का साथ दिया, क्योंकि जो वहां पर निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा था यूएनएससी में, उसमें हमने निंदा प्रस्ताव में शामिल नहीं होना पसंद किया, क्योंकि हमने एब्सटेन किया उसमें और वोटिंग नहीं की, जो लगभग यह होता है कि आप उनकी निंदा नहीं करना चाहते हैं। और रूस ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से सराहा है, और इस पर अमेरिका ने भी बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हमें भारत और रूस के संबंध से हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना, जो उन्होंने किया वो अलग बात हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की एक तरफ से रूस से भी तारीफें हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन देश है, जिसने हमारे भारत के साथ बार बार विश्वासघात किया, चाहे वो 370 पर उनका बयान हो, चाहे 1998 में जो हमारा परमाणु परीक्षण हो उस पर हमारे यूएनएससी में हमारे खिलाफ वोटिंग हो, और जो बाकी पाकिस्तान को T-80 टैंक देने का और उनको मॉडिफाई करने का जो उनका प्लान है, जो काफ़ी $3 बिलियन से ज़्यादा की उनके रक्षा समझौते हैं पाकिस्तान के साथ, ये टैंक किसके खिलाफ यूज होते हैं? हमारे देश के खिलाफ होते हैं, हमारे सैनिकों के खिलाफ होते हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री से वहाँ के राजदूत जो यहाँ बैठे हैं यूक्रेन के, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की, उन्होंने कहा कि आप ही इस आपके रूस के साथ अच्छे संबंध है, और आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें इस युद्ध से बचाएं और यूक्रेन को रूस को जरा समझाएं। तो मतलब वहाँ के राजदूत भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इतना बड़ा वर्चस्व है कि वो इस युद्ध को रोक सकते हैं। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ साथ बातचीत की और उनको कहा, अपने स्टूडेंट जो भारत के छात्र हैं उनके लिए भी कहा कि उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और ये भी कहा कि इसका हल युद्ध नहीं हो सकता है, और हमें एक निश्चित तौर पर हमें फिर से डायलॉग के टेबल पे आना चाहिए और युद्ध को ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की, और उन्होंने कहा, और जेलेंस्की ने उनसे कहा कि रशिया के 1,00,000 से ज़्यादा ट्रूप्स हमारे देश में आ चुके हैं, उन्होंने इन्वेजन किया है, और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी में हमारा समर्थन करे। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री दोनों तरफ से वार्ता करना चाहते हैं, उन्होंने पुतिन से भी वार्ता की, उन्होंने जेलेंस्की से भी वार्ता की, और दोनों को ये कहा कि युद्ध एक हल नहीं है, युद्ध कोई पूरे मसले का हल नहीं हो सकता है, आपको ज़रूर एक बातचीत के टेबल पे आना चाहिए। जिसके बाद ये बड़ी खबर आती है कि पुतिन ने उनको ऑफर दिया है कि अगर वो चाहते हैं समझौता कर लें, बातचीत कर लें, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि जो बेलारूस है वहाँ से जो मिसाइलें आ रही हैं रशिया के सपोर्ट में आ रही हैं और वो यूक्रेन पर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जहाँ मिसाइल हमें पे गिराई जा रही है उस देश में हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो। तो उन्होंने 3
कंट्री के नाम सुझाए हैं, चाहे उसमें टर्की हो, हंगरी हो और दूसरा आपका पोलैंड। उन्होंने ये कहा है कि इन देशों में हो सकती है, हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम वार्ता से दूर नहीं भाग रहे हैं। तो ये देखना होगा कि अब इस पर पुतिन क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन गंगा चल रहा है, अपने स्टूडेंट को बचाया जा रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां उनमें बौखलाहट है। वो कहीं लगभग कुछ एक दो स्टूडेंट के ऐसे बयान वो दिखा रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें एम्बेसी के लोग मिल नहीं रहे हैं और हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना तो एम्बेसी हमारा फ़ोन उठा रही। कुछ हो सकते हैं, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। आपको पता है कि वहाँ युद्ध हो रहा है तो कुछ तो परेशानी होगी, इसी परेशानी को दूर करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जो भी आपके रिलेटिव वहां पर फंसे हुए हैं, जरूर एम्बेसी को उसकी इंफॉर्मेशन दे ताकि आपके बच्चे भी सुरक्षित वहां से निकाले जाएं। अभी तो ये रूस के बाहर बाहर के छात्रों को निकाला गया है, जो लगभग अब तक 1000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि 4000 पहले आ गए हैं और 1000 ऑपरेशन गंगा के तहत आ चुके हैं, तो लगभग 5000 और अब 15000 बचे हुए हैं स्टूडेंट। इन स्टूडेंट में से लगभग ज्यादातर वो तादाद है जहां पर युद्ध हो रहा भीषण, क्योंकि वो बंकर के अंदर छुपे हैं। तो उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से बस का अरेंजमेंट किया जाए, किस तरीके से वहां पर जो दोनों सेनाएं उनसे कैसे समझौता मिलाया जाए कि हमारी जो बस है उसको आने दिया जाए। तो इसका भी लगभग आने वाले समय में इसको भी फैसला कर दिया जाएगा कि किस तरीके से अपने छात्रों को निकाला जाए, इस पर भी समझौता जल्द हो सकता है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।